दोस्तों साल था 2016, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, जिसमें खड़े हुए दो कैंडिडेट, एक थे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी हिलेरी क्लिंटन। अब इलेक्शन से पहले जब पॉपुलैरिटी पोल हुआ तो यही बातें सामने आ रही थी कि हिलेरी क्लिंटन चुनाव को जीतने वाली है, मगर चुनाव खत्म होने के बाद जीत हुई डोनाल्ड ट्रंप की। सरप्राइजिंग इजंट इट? पर ये जीत इसलिए नहीं हुई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा काम करके लोगों को दिखाया था, बल्कि ये जीत इसलिए हुई थी क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिदम ने जानबूझकर ऐसे एड्स पुश करने शुरू किए थे जिससे कि वोटर्स को डोनाल्ड ट्रंप की अच्छाइयां दिखे, जिससे एन मौके पर पूरा फैसला पलट गया और हमारा ट्रंप चुनाव जीत गए। अब दरअसल हुआ क्या था कि साल 2018 में क्रिस्टोफर वाइली ने इस बात का खुलासा किया था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी ने बिना यूजर्स के कंसेंट के फेसबुक के डेटाबेस से लाखों लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उनके दोस्तों का डेटा इनलीगली कलेक्ट करते हुए बाद में उस डेटा का इस्तेमाल पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए किया था, जिससे कि लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की अच्छाइयां दिखे और जिससे इन्फ्लुएंस होकर लोगों को काइंड ऑफ ब्रेन वॉश करके उनका माइंडसेट बदला जा सके। अब बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि रशिया की इंटरनेट रिसर्च एजेंसी ने भी इस इलेक्शन पीरियड में अलग अलग फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर इस तरह से अपने कंटेंट पोस्ट करने शुरू किए थे कि लोगों को हर तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ट्रंप ही बेस्ट लगे और हिलेरी क्लिंटन में लाख बुराइयां दिखने लगे। अब कुछ इस तरह से वो दौर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना भी विकसित नहीं हुआ था, तब एक नॉर्मल से फेसबुक के एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करके कुछ लोगों ने सीधे किसी देश के राष्ट्रपति चुनाव को ही पलट दिया था। अब सोचो ये पावर है डिजिटल प्रोपेगेंडा की। अब अगर लोकलाइज करना है तो ये कुछ उसी तरह है कि मानो ISI ओपोजिशन के किसी लीडर से डील करके उसके सपोर्ट में सोशल मीडिया पर ऐसे हिडन कैंपेन चलाने लगे जिससे लोगों का माइंडसेट उसी कैंडिडेट के प्रति शिफ्ट हो जाए। और इस टेम्पोररी इन्फ्लुएंस की वजह से जब ऐसा ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर बैठेगा तो वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को ही चोरी छुपे सपोर्ट करेगा और उसके खिलाफ कदम उठाने के बजाय सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करता रहेगा। नाउ आफ्टर ऑल उसे वहां तक तो ISI ने ही तो पहुंचाया है। पर ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक AI बोट ने कुछ ही समय में एक ऐसा वायरस बनाकर दिखाया था जो लाखों लोगों की जान कुछ ही दिनों में लेने के काबिल था। और आज के इस वीडियो में हम अभी के प्रोग्रेस के हिसाब से AI के कुछ ऐसे ही काले रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक और चलिए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काली परछाई के बारे में। वेल दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले समय में टेररिज्म के लिए बहुत बड़ा वेपन बन सकता है। ऐसे ही कुछ सिनेरियो को स्टडी करने के लिए जब MIT और हार्वर्ड के कुछ बच्चों को ये प्रोजेक्ट दिया गया कि वो अपने AI और मशीन लर्निंग के स्किल्स का इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट्स या कमांड के थ्रू GPT बोर्ड से किसी वायरस या पैथोजेन को क्रिएट करने का ट्राई करे, तो इनिशियली ऐसा सोचा गया था कि AI अपने अर्ली स्टेजेस पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट सरप्राइजिंगली एक्सपेरिमेंट में यूज किए जा रहे बोट ने एक ऐसा पैथोजेन डेवलप करने का रास्ता दे दिया जो इंसानों के लिए छोटे स्केल पर एक बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो पैथोजेन बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना समय लगा था? वेल अगर रेफरेंस देना हो तो जब नवंबर 2003 में वैज्ञानिकों ने सिर्फ 2 हफ्तों में एक नया वायरस स्क्रैच से बनाया था, तब उस उपलब्धि को एक बहुत बड़े अचीवमेंट में काउंट किया जा रहा था, जिससे आगे आने वाले समय में वायरस और बैक्टीरियल रिसर्च में क्रांति लाने की बातें कही जा रही थी। ऐसे में जब इतने सालों की पढ़ाई कर चुके एक्सपर्ट्स ने इस कारनामे को 2 हफ्तों में कर दिखाया था, तो आपके हिसाब से AI को कितना समय लगना चाहिए? 5 दिन, 4 दिन या कम से कम 2 दिन तो लगना ही चाहिए, राइट? रॉन्ग, बिकॉज AI took just a single hour to create a harmful pathogen. दोस्तों एलोन मस्क, जो खुद AI की डेवलपमेंट में इतना योगदान दे चुके हैं, वो खुद ये बयान देते हैं कि अगर बिना देखे सुने इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम जारी रखा तो इंसानियत आगे आने वाले समय में कैटास्ट्रोफिक आउटकम फेस करेंगी। अब दोस्तों AI का भविष्य इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो या तो आगे आने वाले समय में इंसानियत को नई ऊंचाइयों में पहुंचने पर मदद करेगी या फिर मानवता के सर्वनाश का कारण बनेगी। और इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है कुकू FM पर मौजूद ऑडियो शो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
फ्रेंड और फो में, जिसे मैं पर्सनली खुद भी कुकू एफएम पर सुनता हूँ। प्ले स्टोर पर 4.4 प्लस रेटिंग के साथ कुकू एफएम है इंडिया का बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म, जहाँ आप इतिहास रचने वालों की कहानियों से लेकर इतिहास रचने की कला भी सीख सकते हो, वो भी 10,000 से ज्यादा ऑडियो सोर्स की लाइब्रेरी के साथ अपना घंटों का समय बचाकर। अब दोस्तों, आप सबके प्यार की वजह से हम 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन पर पहुंच चुके हैं, और इसी 4 मिलियन को सेलिब्रेट करते हुए हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कुकू एफएम का स्पेशल फैमिली प्लान, जिसमें आप अपने परिवार के 4 मेंबर्स के साथ कुकू एफएम के एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी को एंजॉय कर पाएंगे, वो भी 199 रुपए की जगह सिर्फ 89 रुपए में पहले महीने के लिए, बाय यूजिंग आवर कोड ATVFAM55 फॉर फ्लैट 55% डिस्काउंट। यानी हर मेंबर के लिए एक महीने का कंटेंट लगभग 22 रुपए का पड़ेगा, अलोंग विद प्रीमियम फीचर्स लाइक ड्राइव मोड, स्लीप मोड एंड मेनी मोर। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करो और अभी इंस्टॉल करो और हो जाओ तैयार इतिहास रचने के लिए। लेकिन जल्दी करना, क्योंकि यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ पहले 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड है। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट। नाउ बेसिकली इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप को चैटबॉट से ऐसी डिटेल्स निकालने का टास्क दिया गया, जिससे कि भविष्य के पोटेंशियल पैंडेमिक्स के बारे में जानकारियां जुटाई जा सके। और अपने इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बेसिक सवालों से शुरुआत करी, जैसे पैंडेमिक कैपेबल पैथोजेंस के नाम, उनके ट्रांसमिशन का नेचर वगैरह वगैरह। लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपने सवालों में डीप जाने लगे, जैसे उन पैथोजेन के सैंपल्स कहां से लाए जा सकते हैं और उनसे फर्दर डेडली पैथोजेन कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। अब आज के वो चैटबॉट्स जिन्हें डिजाइन किया जाता है खतरनाक जानकारियां ना देने के लिए, थोड़ा मैनिपुलेट करने पर उन्होंने भी ना सिर्फ ये बता दिया कि कौन कौन से वायरस पैंडेमिक फैलाने के लिए परफेक्ट रहते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल वेरियोला एज नोन एज स्मॉल पॉक्स को खुद AI ने ही सजेस्ट किया, बल्कि थोड़ा और पूछने पर उस बोट ने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके किस तरह से उन पैथोजेंस को मॉडिफाई किया जा सकता है और इस प्रोसेस के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे और उन इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑब्टेन भी किया जा सकता है। नाउ सरप्राइजिंगली ये पूरा कमांड किसी सुपर कंप्यूटर से नहीं, बल्कि एक नॉर्मल कंप्यूटर से ही एग्जीक्यूट करवाया गया था, और इसमें यूज किए जाने वाले चैटबॉट्स के पास भी सिर्फ वही डेटा था जो इंटरनेट पर मौजूद है। अब अगर बिना किसी मेजर बायो एक्सपर्टीज के MIT और हार्वर्ड के बच्चों ने नॉर्मल कंप्यूटर के यूज करके नॉर्मल चैटबॉट से इतनी खतरनाक चीजें क्रिएट करने का रास्ता खोज लिया, तो सोचिए अगर कल को चाइना जैसा कोई देश किसी सुपर कंप्यूटर को ऑटोमेट करके उसे इस तरह से प्रोग्राम कर ले जिससे कि वो अपने आप खतरनाक वायरस बनाने के लिए फॉर्मुलेशन तैयार करता रहे, तो अगर हम लोग एग्जैजरेट ना करें, फिर भी एक सुपर कंप्यूटर बड़े आराम से हजारों नए वायरस एक दिन में क्रिएट करने की क्षमता रखता है। और ये हजारों का आंकड़ा भी हम हवा में ही नहीं दे रहे, बल्कि पिछले ही साल पब्लिश होने वाले Vox.com के एक आर्टिकल में ही इस बात का जिक्र था कि जब AI से टॉक्सिक कंपाउंड्स इन्वेंट करने के लिए कहा गया, तो उसने बहुत थोड़े समय में करीब 40,000 टॉक्सिक कंपाउंड्स जवाब में हाजिर कर दिए थे, और जिनमें से कुछ ह्यूमंस के लिए सबसे लीथल कंपाउंड्स में से एक थे। अब अगर ऐसे वायरस का इस्तेमाल करके कोई देश पूरी दुनिया पर राज करना चाहे, तो ये बेशक पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कोई मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर नहीं है, बल्कि एक बायो वेपन होता है, और जिसका प्राइम एग्जांपल हमें दिखा कोविड के दौर में। अब दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की खुद की रिपोर्ट में कोविड की वजह से करीब $9 trillion के ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस का एस्टीमेशन दिया गया है। इसी के साथ सिर्फ 2020 के लिए यूनाइटेड नेशंस ने यह आंकड़ा पेश किया था कि पैंडेमिक 3,40,00,000 लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी में धकेल देगी। अब दुनिया का ये हाल कर दिया था एक छोटे से कोरोना वायरस ने, तो सोचिए अगर ये ताकत गलत हाथों में गलत तरीके से इस्तेमाल करी गई, तो दुनिया किस नरक में जा सकती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जॉब लॉस इज द लीस्ट कंसर्न व्हेन वी टॉक अबाउट द रिस्क ऑफ AI। पर अगर हम लोग ये सोचकर परेशान ना भी हो कि ऐसा दौर आने में अभी काफी टाइम है, तो हमें ये सोचकर जरूर परेशान होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से झूठे प्रोपेगेंडा और दंगे फैलाने में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, वो भी आज वाली स्टेज में। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको अभी रेसलर प्रोटेस्ट में वायरल होने वाली इस तस्वीर में ही मिल जाएगा, जब 28 मई के दिन हमारे देश के पहलवानों को उनके प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तब अपना दुख साझा करते हुए उन्होंने एक फोटो खींची थी। लेकिन इससे पहले कि वो फोटो सरफेस हो पाती, एक दूसरी फोटो इंटरनेट पर वायरल होने लगी, जिसमें आपको रेसलर्स मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। अब मास ऑडियंस फैक्ट चेक नहीं करती, इसलिए इस फोटो के वायरल होते ही लोग अलग अलग सोशल मीडिया पर इस प्रोटेस्ट को फेक डिक्लेयर करने लगे, क्योंकि इस फोटो में प्रोटेस्टर्स मुस्कुरा रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक फोटो को मैनिपुलेट करने की वजह से, और जिससे जो लोग कल को इन्हीं के सपोर्ट में आगे आए थे, वो खुद एडिटेड फोटो देखकर
होकर प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ हो गए। अब हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा करने के लिए किसी बहुत स्किल्ड एआई एक्सपर्ट या फिर डिजाइनर की भी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक फेस ऐप से इस दुखद फोटो में मुस्कुराहट भरी गई। और जो ऐप भी प्ले स्टोर में फ्री में अवेलेबल है, यानी प्रोपेगेंडा फैलाने और मैनिपुलेट करने वालों को पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। अब दोस्तों, आगे आने वाले समय में हम लोग हाईली डिपेंड होने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके द्वारा जनरेट किए गए आंसर्स के ऊपर, क्योंकि हमें तो यही लगेगा कि एआई वो आंसर्स इंटरनेट के ट्रस्टेड सोर्सेज से उठा रहा है। पर इसी ट्रस्ट को मिसयूज करके अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोर्सेज में ही कुछ गड़बड़ी कर दी जाए तो लोगों को इतनी फेक इन्फॉर्मेशन फीड करवाई जा सकती है कि क्या सच है और क्या झूठ, लोग इसके बीच में फर्क करना ही भूल जाएंगे और हकीकत क्या है ये बस कहीं बीच में ही दबकर रह जाएंगे। अब दोस्तों, एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप चैट जीपीटी पर जाकर किसी स्पेसिफिक रिलीजन के गॉड पर जोक सुनाने के लिए कहेंगे तो वो आपको रिप्लाई करेगा कि वो किसी भी तरह के रिलीजियस मैटर पर जोक नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दोस्त, वहीं पर अगर आप भगवान राम या भगवान कृष्ण पर जोक सुनाने के लिए कहेंगे तो वो आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर देगा। अब मैं किसी रिलीजन को हेट नहीं दे रहा, पर क्या हमारे भगवान भगवान नहीं होते? और इस छोटे से एग्जांपल की मदद से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में एआई कैसे किसी भी तरह के एजेंडा को फुलफिल करने में कितना खतरनाक रोल प्ले करने वाला है। अब दोस्तों, जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके दवाइयां बनाई जा सकती है और करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है, वहीं अगर ये टेक गलत हाथों में चली गई तो इसका इस्तेमाल करके लाखों लोगों को बर्बाद भी किया जा सकता है। अब ये उस बंदे पर डिपेंड करता है कि वो उसे किस मोटिव से यूज करना चाहता है। बिकॉज ट्रस्ट मी, सीक्रेट इन्वेजन इज सून गोइंग टू हैपन इन रियल लाइफ। वैसे आज का ये वीडियो एक डिस्कशन था सच और फैक्ट्स के साथ कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों को मोरली और मेंटली किस तरह से अफेक्ट करने वाला है। लेकिन इस पर आपके क्या राय है हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। और देखो, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप एआई के ऐसे ही डरावने सिनेरियोस को और अच्छे से देखना चाहते हो तो मैं नेटफ्लिक्स पर मौजूद ब्लैक मिरर रिकमेंड करना चाहूंगा। काफी मस्त सीरीज है, एक बार जरूर ट्राई करना। और ऐसे ही तगड़े साइंस फिक्शन कंटेंट के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें काफी मजेदार वीडियोस आते हैं। अब दोस्तों, जाने से पहले कुकू एफएम को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यूज करना हमारा प्रोमो कोड ATVFAM55 फॉर 55% डिस्काउंट ऑन फैमिली पैक, जहां आपको मिलेगा 199 की जगह मात्र 89 रुपीज में पहले मंथ का सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।